आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप किसी भी ब्रांच का बैलेंस बिना इंटरनेट की मदद से चेक करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। यदि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, जो भी पे यूज़ करते हो उसकी उसमें आपको आपका आपके सेविंग बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना होता है तो आपको उसमें क्या है, इंटरनेट यूज़ करना होता है, ठीक है। बट मैं आपको इंडिया मनी ऐप में एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा, खैर यह म्यूचुअल फंड और यूएस स्टॉक का ऐप है, बट यहाँ पर एक फीचर भी दिया गया है। इस ऐप की मदद से आप किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो, चाहे वह SBI हो, HDFC हो, कोई सा भी ब्रांच हो, यहाँ पर आप उस ब्रांच का यहाँ पर आसानी से बैलेंस चेक कर सकते हो बिना इंटरनेट की मदद से। एक बार लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर इंटरनेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस देखने को मिल जाती है, ठीक है। आप जो भी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे उस मोबाइल नंबर से जितने भी ब्रांच आपके मोबाइल नंबर से लिंक है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी ब्रांच का बैलेंस चेक करने के लिए आपको IND मनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मेरे को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे अकाउंट क्रिएट करना है IND मनी, जो US स्टॉक का फ्री ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे माय टोटल इन्वेस्टमेंट 0, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने शो होंगे, सेविंग अकाउंट, FD, म्यूचुअल फंड, US और इंडिया का स्टॉक है, और मोर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सेविंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो जो मेरा मोबाइल नंबर है उसके साथ में जितने भी ब्रांच कनेक्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे जो मोबाइल नंबर है उसके साथ में एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौड़ा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI और यूनियन बैंक कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका बैलेंस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे 3 lines पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप यदि अकाउंट को हटाना चाहते हो तो अकाउंट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश बैलेंस वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे बाय सेंडिंग SMS, तो यहाँ पर SMS के माध्यम से भी आप यूनियन बैंक का या किसी भी ब्रांच का बैलेंस चेक कर सकते हो। उसके बाद माय गिविंग अ मिस कॉल, यहाँ पर मिस कॉल के माध्यम से भी आप यहाँ पर अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको SMS का दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट मैसेज सेक्शन में ले जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर जैसे ही आप ये मैसेज भेज देते हो आपको रिसीव में एक मैसेज मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं, मैं लाइव आपको दिखा दूंगा। आपके सामने यहाँ पर देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैसेज आ चुका है, इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद मैसेज सेक्शन में जाता हूँ, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जस्ट मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैसेज आया था और मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ये तो मैंने बता दिया मैसेज के माध्यम से आप अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकते हो अपने बैंक का, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, बाय गिविंग अ मिस कॉल, मिस कॉल के माध्यम से भी आप अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो यदि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। तो गिव अ मिस कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, देन में जो हमारा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है पर मिस कॉल मारूंगा, ठीक है।
तो ये कॉल नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा एक रिंग जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक और मेरे पास मैसेज आ चुका है, वो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इस तरह से आप HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, जो भी ब्रांच का बैलेंस चेक करना चाहते हो वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है। IND मनी ऐप की मदद से आप किसी भी ब्रांच का बैलेंस चेक कर सकते हो चुटकियों में, ठीक है। आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ एक बार आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम आ रही हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।